नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कल रात में हम गुवाहाटी से तेजपुर पहुंचे। रात में तो डिनर किया और सो गए। अभी सुबह हम घूमने से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। 7:15 का टाइम, हम इस समय हैं गणेश घाट, सामने गणेश जी का मंदिर भी है। यहाँ से हम एक बोट लेंगे और सामने जाएंगे आइलैंड में और वहाँ पर करेंगे ब्रेकफास्ट। आपके रेफरेंस के लिए, जो ट्रैवलर्स तेजपुर आते हैं वो यहाँ से सनसेट व्यू बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ी जबरदस्त रॉकिंग एंट्री हो रही है। आइलैंड का नाम है उग्रशोर आइलैंड। थैंक यू। संभल के। ओ वाव, जबरदस्त। सर, ये 642 एकड़ का है पूरा आइलैंड। अच्छा। और चारों तरफ ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे सर वाइल्ड एनिमल्स भी है, जैसे जंगल कैट, फिर वाइल्ड कैट, फिर जैकल और बफेलो। फैंटास्टिक, बड़ी अमेजिंग फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल इस आइलैंड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम लोग सोलर से अभी चला रहे हैं। हम लोग अभी एक एयर विंड प्रोडक्शन, मतलब विंड एनर्जी के लिए ये बना रहे हैं। वाओ, हाँ, इसने बनाया है, ये स्टूडेंट है। अरे जबरदस्त है, बहुत अच्छा। सीआईडी कोप्रेजर, नाम क्या आपका? चित्तरंजन मल्लिक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सो नाइस। मतलब मैकेनिज्म, तो अभी इसका डेमो चल रहा है। हाँ, मतलब अभी टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग। हम बाद में 1 HP मोटर से हम लोग यहाँ पे पानी भी उठाएंगे टैंक पे। वेरी गुड जॉब डन, थैंक यू। अभी हम सुंगा पिठा बनाने जा रहे हैं। ये है बड़ा चावल और ये है बेम्बू। हम बड़ा चावल को बेम्बू में डाल के उसको कैप लगाएंगे, फिर बाहर अभी हम जलाएंगे। जबरदस्त, फैंटास्टिक। अभी राइस डाल रहे हैं बैम्बू के अंदर। मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ इस तरह का चीज, और बड़ा चावल बोलते हैं इसको। अब आप इसमें मिल्क ऐड कर रहे हो। मैंने सुना था असम के अंदर ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड में इस तरह से चावल को पकाया जाता है। आज यहां पर देख कर ना, मैं ये कह सकता हूं कि नथिंग लेस देन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ओपन फील्ड और इस तरह से बीचों बीच चावल तैयार हो रहे हैं बैंबू के अंदर। ये सुंगा पिठा हम लोग असम में माघ बिहू के टाइम बनाते हैं। माघ बिहू मतलब फेस्टिवल ऑफ फूड, और तब बैम्बू थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा ढीला होता है। अभी थोड़ा हार्ड हो चुका है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसको फाड़ने के लिए। अरे वाह, क्या बात है, थोड़ा ऊपर से पकड़ना पड़ेगा। वाकई मतलब चावल की महक बहुत शानदार। वाओ, इसको आप देखो, बैम्बू को और राइस को, जस्ट टू गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तेजपुर में इस तरह से आइलैंड साइड पे आकर बहुत मजा आ रहा है। यहां देखिए आप, हट कैसे बनी हुई है, हम कहां बैठे हैं,
कितना खूबसूरत नजारा और सब कुछ नेचुरल। सबसे पहले आप देखिए बड़ा चावल अर्दन पॉट में, सिमिलरली कर्ड जो कि बफलो मिल से तैयार हुआ है, और साथ में इन्होंने गुड़ दिया है कि जब आप इसको ऐड करके खाएंगे तो ये बड़ा चावल जलपान हो जाएगा। और एक और चीज अमेजिंग हमारे टेबल में इस समय, ये है ग्लास और जग दोनों बैम्बू का। अरे वाह, मैं देख भी पहली बार रहा हूं और इस तरह से पानी भी पहली बार पी रहा हूं बैम्बू ग्लास में। ग्रेट, दही ऐड करेंगे, बड़ा गाढ़ा दही है। खाने से ना पहले ही मजा आ गया। बड़ा चावल का मतलब है स्टिकी राइस। अब पिछले कुछ दिनों में मैं समझ चुका हूं टेस्ट को, अगर आप थॉरली एंजॉय करना चाहते हो इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो गुड़ कंपलसरी है। छोटे छोटे पीसेस में गुड़ को पीसो और साथ में ऐड कर लो। ये कॉम्बिनेशन पहले मैं इस टूर में पिछले 5-6 दिनों में खा चुका हूं, लेकिन ये टेस्ट अलग है। स्टिकी राइस रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, दही। दही का टेस्ट एकदम अलग है। बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट है, कहने का मतलब ये है कि मजा आ रहा है और मुझको खाते ही फील हो रहा है कि मैं कुछ बहुत ट्रेडिशनल फूड खा रहा हूं। इस तरह के टेस्ट को बेस्ट एंजॉय करने का तरीका ये है कि धीरे 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 आधा घंटा लगा के खाओ तभी मजा आएगा, क्योंकि अगर ये 5-10 मिनट में खाए ना तो मजा नहीं आएगा। टेक टाइम और रिलिश करके खाओ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू पुट इट। याम सूप, और इसके अंदर कुछ भी फैंसी नहीं है, बड़ा मामूली सा नमक और हरी मिर्च टमाटर, दैट्स इट। ब्रिलियंट, बहुत शानदार। इसका टेस्ट ना बहुत डिफरेंट है, हरी मिर्च डालने से तीखापन आ गया, और याम सूप मैं पहली बार पी रहा हूं लेकिन मजा मेरे को बहुत आ रहा है। बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया आज मेरा इस तरह से ओपन एटमॉस्फेयर। अभी हम अगले 10 से 15 मिनट में यहां से निकलेंगे। अब आए हैं तो एक बार इनके कॉटेजेस भी देख लेते हैं, उसके बाद तेजपुर लोकल घूमेंगे। अभी हम जा रहे हैं टेंट देखने के लिए। मुझे इन्होंने बताया कि 1000 रुपीज है सिंगल पर्सन के लिए, ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव, अगर आप आके टेंट में रहना चाहते हो। ये है टेंट, हम लोग यहाँ पे मैट्रेस एंड स्लीपिंग बैग एंड ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं विथ पिलो। ये है टेंट। क्या बात है, और बारिश आ जाएगी तो अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेन प्रूफ है। व्हाट अ एक्सपीरियंस, गजब। 4 फीट की जो हाइट दी है, एनिमल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि रात में आप सो रहे हो और कोई एनिमल आ जाए तो यू आर सेफ। साथ में बता रहे हैं सीटी होती है, सीटी बजा दो तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आ जाएगा। बहुत मजेदार। अब फैमिली का दिखाओ, फैमिली कहाँ रहेगा? कोटेज है, कोटेज प्राइस इज 3500, 4 लोग रह सकते हैं, और जब भी बुकिंग आते हैं हम लोग मैट्रेस लेके आते हैं, और यहाँ पे आप लोग को बुकिंग में कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट ट्रैकिंग एंड बोट फेयर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर कॉटेज में टॉयलेट बन रहा है? यस। yes. ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगी। सुबह 10:30 बजे का टाइम, मार्च महीना, प्लेजेंट वेदर। अब हम यहाँ पर बोट लेंगे, नदी के उस पार जाएंगे, बोट सर्विस इन्हीं की है। हाफ डे तेजपुर घूमेंगे या फुल डे घूमेंगे, और ड्यूरिंग द डे आगे की जर्नी प्लान करते हैं। आप जब तेजपुर आएंगे तो कोल गार्डन बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसका नया नाम है चित्रलेखा उद्यान। 20 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट देकर हम लोग अभी अंदर आए।
बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत। एंशियंट रॉक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, शांत वातावरण, पॉन्ड है, बोटिंग भी होती है, एक घंटा दो घंटा आप बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। आराम से बैठिए, रिलैक्स करिए, और थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर MiG-21 भी खड़ा हुआ दिखाई देगा। बच्चे खूब एंजॉय करेंगे MiG-21 को देखकर। अभी घूमते हुए हमने देखा यहाँ पर बम्पिंग कार्स भी हैं, आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारा प्लान है आज दोपहर में हम 3-3:30 बजे तेजपुर से निकलेंगे भालुकपुंग जाने के लिए। यहाँ से 60 किलोमीटर का सफर है। हमें नहीं मालूम था कि अगर आप भालुकपुंग से टीपी जाना चाहते हैं, जो कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, वहाँ का सीनिक व्यूज बहुत शानदार है, आपको अरुणाचल गवर्नमेंट से परमिशन निकालनी होगी। वैसे ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर तेजपुर में अरुणाचल गवर्नमेंट का ऑफिस है, आधा पौना घंटा हमको लगा, हमने अपने लिए ILP निकलवा ली है। आज नाइट स्टे भालुकपुंग और कल मॉर्निंग में हम टीपी घूमने जाएंगे। प्लान है कि कल हम नाइट स्टे काजीरंगा में करें। फिलहाल थोड़ी देर तेजपुर घूमते हैं, लेट आफ्टरनून में आगे निकलेंगे। तेजपुर ना बहुत बड़ा शहर नहीं है, शांत सा एनवायरनमेंट है। इस समय हम आए हैं बामुनी हिल्स। सामने आप देखिए बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, टेंपल रिमेन्स बामुनी हिल्स। आप सोचिए, यहां आकर आपको फीलिंग आ रही जैसे आप हिस्ट्री में चले गए। हालांकि ये सब स्प्रेड आउट है, लेकिन जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, पुराने एंशियंट रॉक्स को देखने में पसंद होता है, उन लोग के लिए तो जगह बहुत ही जबरदस्त। यहां पर आने के बाद रॉक्स पर गॉड्स और गॉडेसेस के स्कल्पचर्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो किस जमाने में यहाँ पे टेंपल हुआ करते थे। कुछ मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। श्री कृष्ण का बानासुर के साथ युद्ध हुआ, उस समय यहाँ पर टेंपल होता था, बानासुर का घर हुआ करता था। उस युद्ध के दौरान ये जगह तबाह हो गई। युद्ध क्यों हुआ उसके बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि तेजपुर का जो लिटरल मीनिंग है वो है सिटी ऑफ ब्लड। 10-15 मिनट थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं, नज़दीक से एंशियंट रॉक्स को महसूस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ से अग्निगढ़ के लिए निकल रहे हैं। जो मैंने नीचे लिखा हुआ पढ़ा उसके मुताबिक तेजपुर का राजा था बनासुर। तेजपुर का पुराना नाम सोनितपुर। बनासुर की बेटी यानी उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा। उषा की सहेली चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई। अपनी मायावी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए द्वारका गई श्री कृष्ण भगवान के पोते को लेने के लिए। वहां से बिस्तर सहित वो अनिरुद्ध को यहां पर ले आई, जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं अग्निगढ़। लाने के बाद अनिरुद्ध की मुलाकात उषा से हुई, दोनों का गुप्त विवाह हुआ। गुप्त विवाह की बात जब बनासुर को पता चली तो उन्होंने अग्नि बाण लगाकर इस पूरे अग्निगढ़ को अग्नि से कवर कर दिया, जिससे ना कोई बाहर जा सके ना कोई अंदर आ सके। उसके बाद ये बात कृष्ण भगवान को पता लगी, उन्होंने इस जगह तेजपुर पर आक्रमण कर दिया। ये बात सुनकर भगवान शिव, जिनके भक्त बनासुर थे, क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने सपोर्ट किया बनासुर को। एक तरफ कृष्ण भगवान और एक तरफ भगवान शिव। युद्ध इतना घमासान हुआ, इतना घमासान हुआ कि इस बात से इस शहर का नाम पड़ा तेजपुर।
जिसका लिटरल मीनिंग है सिटी ऑफ ब्लड। दो गॉड्स के बीच में जो युद्ध हुआ उसको शांत करवाने के लिए ब्रह्मा आए, उन्होंने दोनों को अपना रूप दिखाने के लिए बोला और उसके बाद ये युद्ध शांत हुआ। जब आप तेजपुर आएंगे तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा, इस जगह को महसूस करिए, साथ ही साथ आप सीनिक व्यू भी इंजॉय करिए क्योंकि ये जगह हिल के ऊपर है। अभी हम महाभैरव टेंपल पहुंच चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए राजा बनासुर शिव भक्त थे, वो इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। ये शिवलिंग आपका दापर जो का है, ये आपका बार नजर ने इधर पूजा किया था और श्री कृष्ण टाइम का है। शाम के 4 बज चुके हैं, हमने लंच नहीं किया, लेट हो गए। हमें बताया गया यहाँ पर मौसमी रेस्टोरेंट बहुत फेमस है और पॉपुलर भी है, हम यहाँ आ गए। फॉर अ चेंज मैंने राइस की जगह आपने लिए तवा चपाती ले ली, क्योंकि मैंने नोटिस किया तवा चपाती को बना रहे थे बड़े खूबसूरत ढंग से। ये आप देखिए आलू की सब्जी, आलू और पम्पकिन, और यहाँ पर है पनीर। तवा चपाती को हाथ में पकड़ के ही ना मेरे को महसूस हो रहा है इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बड़ी सिंपल प्रिपरेशन है, जिस तरह का फूड मैं असम में जगह जगह खा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही है इन टर्म्स ऑफ मसाला। मसाले के नाम पे सिर्फ नमक और थोड़ा सा हल्दी, नथिंग मोर। ये आलू और पम्पकिन की सब्जी बहुत सिंपल है, लाइट ऑन स्टमक। वाह वाह, इस समय सोचो 4 बज चुके हैं और रेस्टोरेंट अभी भी फुल है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं पीक टाइम पे आता 2 बजे तो वाकई वेटिंग करनी पड़ती। शाम के 5 बज चुके हैं, अभी हम तेजपुर से निकल रहे हैं भालुकपुंग जाने के लिए। लगभग 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में, 60 किलोमीटर का ये सफर है। आज का नाइट स्टे हम वहीं पर जाकर करेंगे। हमारा ओरिजिनल प्लान था हम तेजपुर से काजीरंगा जाएं और आगे की असम जर्नी कंटिन्यू करें, लास्ट मिनट प्लान में चेंज हो गया और हम चले गए भालुकपोंग। आपकी जानकारी के लिए भालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। अगले साल हम तवांग जाने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हम भालुकपोंग वापस लौट कर आएंगे। इस सफर में हम टिप्पी तक गए और हमने आगे काजीरंगा की जर्नी कंटिन्यू करी। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।